आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के सामने खेसारी लाल यादव कुछ भी नहीं है। ये हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई जब कुछ ऐसी बातें होती हैं भोजपुरिया स्टार्स के लिए तो हम मीडिया वालों का पहला फ़र्ज़ बनता है कि भाई आईना दिखाया जाए, क्योंकि आईना इसलिए दिखाया जाए कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन लोकप्रिय है और कौन कितना अमीर है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला या भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, इसमें से कौन है सबसे ज़्यादा अमीर, किसके पास है सबसे ज़्यादा कारें, किसके पास है सबसे ज़्यादा पैसा और कौन लेता है एक प्रोजेक्ट का कितना पैसा। तो चलिए पहले शुरुआत सिद्धार्थ शुक्ला से ही कर लेते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला वैसे तो एक्टिंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी की वजह से उन्होंने एक्टिंग की, क्योंकि उनकी मम्मी और बहनों ने उन्हें फोर्स किया कि क्यों नहीं तुम एक्टिंग में ट्राई करते। और सिद्धार्थ शुक्ला ने एक मॉडल कॉन्टेस्ट के जरिए एंट्री मारी मॉडलिंग की दुनिया में। भाई कुछ सालों में तो उन्होंने मॉडलिंग की, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया 2008 में। उनका पहला जो शो था बाबुल का आंगन छूटे ना, जिसमें उन्हें लोगों ने पहचानना शुरू किया। फिर उसके बाद आया उनका शो जाने पहचाने अजनबी, जिसमें उन्हें लोकप्रियता मिलने लगी, यानी कि जिसमें लोगों ने उन्हें गौर भी किया, पसंद भी किया। और उसके बाद उनका 2013 का साल आता है जो कि उनके लिए शायद अब तक की मेहनत का रंग लाने वाला साल था। बालिका वधु जैसा कलर्स पर उन्हें शो मिलता है और सिद्धार्थ शुक्ला फिर किसी परिचय का मोहताज नहीं रहते। फिर तो उनके पास काम की झड़ियाँ लग जाती हैं। उसके बाद उन्होंने 2013 में ही झलक दिखला जा सीजन 6 किया। फिर 2014 में सावधान इंडिया के कई एपिसोड उन्होंने होस्ट किया। फिर 2014 में ही उन्होंने वरुण और आलिया भट्ट की फिल्म हम टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया के मंगेतर का रोल किया, जिसे क्रिटिक्स द्वारा भी बहुत पसंद किया गया। फिर उसके बाद इंडिया गॉट टैलेंट को होस्ट किया और खतरों के खिलाड़ी के विनर भी बने। जी हाँ, इंडिया गॉट टैलेंट के बाद उन्होंने एक और रियलिटी शो किया जिसका नाम था खतरों के खिलाड़ी। उस सीजन को अर्जुन कपूर ने होस्ट किया था। तो खैर, इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने फिर कलर्स टीवी का रुख किया और दिल से दिल तक शो किया, जिसमें उनके किरदार पार्थ को लोगों ने बहुत पसंद किया और सिद्धार्थ शुक्ला रातों रात स्टार बन गए। वैसे आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला पर एपिसोड करने का 50,000 रुपया लेते हैं और साथ ही साथ एक फिल्म करने का लगभग 70 से 80 लाख रुपया लेते हैं। और वही कुछ रियलिटी शोज़ का भी, यानी कि रियलिटी शो अगर होस्ट कर रहे हैं तो पर डे का 50,000 लेते हैं। ऐसे तो कई वो एड में काम कर चुके हैं। और तो और, उनके प्रॉपर्टी की बात करें तो मुंबई में उनका एक घर है, उनकी BMW कार है और उन्हें बाइक्स का बहुत शौक है, तो उनकी बाइक्स भी हैं। और तो और, सिद्धार्थ शुक्ला ने मुंबई से बाहर, यानी कि मुंबई से बाहर जाकर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। तो ये रही सिद्धार्थ शुक्ला के प्रॉपर्टी की बात। अगर पूरी ओवरऑल जोड़ी जाए साल में ये लगभग कमा लेते होंगे 9 से 10 करोड़ रुपये। तो भाई अब बात करेंगे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की। तो भाई खेसारी लाल यादव का जीवन बड़ा ही स्ट्रगल भरा रहा है। आपको बता दें कि 2011 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, यानी कि भोजपुरी फिल्मी दुनिया में कदम रखा, और जो फिल्म उन्होंने की उसके लिए 11,000 रुपये उन्हें साइनिंग अमाउंट मिला था। फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल, और फिर उन्होंने पीछे पलट कर कभी नहीं देखा। साजन चले ससुराल के बाद खेसारी लाल यादव की बैक टू बैक फिल्में आती गईं। कहा जाता है कि खेसारी लाल यादव साल में तकरीबन एक समय ऐसा था जहां 15 से 20 फिल्में किया करते थे। आज ये बात और है कि पैसे हैं, रुतबा है, शोहरत है, दौलत है, तो काम की क्वालिटी में काम करते हैं, यानी कि अब 6 से 7 फिल्मों में ही खेसारी लाल यादव साल भर में दिखते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज दिखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि एक फिल्म करने का खेसारी लाल यादव कितना लेते हैं। एक फिल्म करने का खेसारी लाल यादव 40 लाख रुपया लेते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें,
कभी 11,000 से शुरुआत करने वाले खेसारी लाल यादव की कमाई एक फिल्म की 40 लाख रुपए हैं, तो वैसे जोड़ लीजिए उनकी तकरीबन साल में 7 से 8 फिल्में आती हैं। अब स्टेज शो की बात करते हैं, खेसारी जितना भी स्टेज शो करते हैं उसमें वो 5 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक की अमाउंट चार्ज करते हैं। और तकरीबन खेसारी लाल यादव आपको बता दें कि महीने में 8 से 10 स्टेज शो करते ही करते हैं। अब बात कर लेते हैं एल्बमों की, तो भाई उनके एल्बम की बात करेंगे तो सूर्य को आईना दिखाने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी एल्बम्स उनकी फिल्में जैसे ही यूट्यूब पे रिलीज़ होती हैं वो ट्रेंडिंग में चली जाती हैं, यूट्यूब ट्रेंडिंग में चली जाती हैं। त्यौहार का टाइम हो तो आप समझ सकते हैं कि एक्टरों की चांदी होती है। वैसे साल का आपको बता दें कि खेसारी 12 से 15 करोड़ रुपये कमाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कौन है किंग। और यहाँ आपको बता दें कि बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला एक वीक का चार्ज करते हैं 9 लाख रुपए, और वहीं पर खेसारी लाल यादव चार्ज करते हैं 10 लाख रुपीज़। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर अमीरी के हिसाब से बादशाहत किसकी है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला के बहुत ही आगे हैं। और खेसारी की प्रॉपर्टी की बात कर ले, जो कि हमने छोड़ दी थी, कहनी चाहिए थी, खेसारी लाल यादव के पास फॉर्चुनर कार है, साथ ही साथ खेसारी के पास 2 फॉर्चुनर कार हैं और कई बुलेट हैं। ये जी हाँ, खेसारी लाल यादव को बुलेट का बहुत शौक है, तो खेसारी लाल यादव के पास 2 से 3 बुलेट हैं। और तो और, खेसारी लाल यादव का मीरा रोड में एक आलीशान बंगला है और मुंबई के कई जगहों पर, जी हाँ मुंबई के कई जगहों पर उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और कई फ्लैट्स हैं उनके। इस तरह से प्रॉपर्टी वाइज भी देखा जाए तो खेसारी लाल यादव सिद्धार्थ शुक्ला से बहुत आगे हैं। हाँ, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ज़्यादा पॉपुलर हैं खेसारी लाल यादव से, तो भाई आप ये कह सकते हैं इस मामले में सिद्धार्थ शुक्ला खेसारी लाल यादव से आगे भले हो सकते हैं, लेकिन और सारे मामलों में सिद्धार्थ शुक्ला खेसारी लाल यादव से बहुत पीछे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।